हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स की, जिसको विशेष इंफोटेक्निक्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्या हो रहा है शेयर में, इसमें लोअर सर्किट लग चुका है दोनों ही साइड पे, चाहे वो एनएससी की बात करें या बीएससी की साइड पे बात करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसके अंदर अभी लोअर सर्किट आना बाकी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब किसी भी शेयर में अपर सर्किट लगा होता है और वो कंटिन्यू अपर सर्किट में जाते हैं तो उनमें करेक्शन आनी बहुत ज़रूरी होती है। अभी बीएससी या एनएससी की प्राइस की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है 20 पैसे का। अभी एनएससी में अपर सर्किट नहीं लगेगा, लेकिन बीएससी में बहुत जल्द अपर सर्किट लग जाएगा। और फिर जब दोनों के प्राइस सेम होंगे, एनएससी या बीएससी की बात करें, जब दोनों के प्राइस सेम हो जाएंगे तब दोस्तों इनमें फिर से एक बार रुकावट आएगी, यानी कि फिर से एक बार करेक्शन आएगी और उसमें लोअर सर्किट लगेगा और फिर कुछ दिन तक एक ही प्राइस पर ही ट्रेड करता रहेगा। सपोज़ मान लेते हैं कि अगर दोनों का प्राइस लगभग 1 रुपये 20 पैसे के आसपास हुआ तो वहीं पर ही कुछ दिन तक ये ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद एकदम से इन पर अपर सर्किट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बाइंग करने की, तो फ्रेंड्स आप बीएससी साइट पर जाके उसको बाय कर सकते हैं। आप इसमें बहुत ही कम क्वान्टिटी उठाएँ, मात्र 100 रुपये 500 रुपये लगा के चल सकते हैं। अगर आपको इन शेयर में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चलें। अभी बीएससी की साइड पे कुछ दिन तक इसमें लोअर सर्किट लगा रहेगा और फिर 2-3 दिन बाद इसमें फिर से अपर सर्किट लग जाएगा। हो सकता है कि मंडे से इसमें अपर सर्किट लग जाए, ये बात थी बीएससी साइड पे। लेकिन दोस्तों अगर एनएससी साइड पे बात करें तो उसमें अभी अपर सर्किट लगना संभावना कम दिख रही है। जब तक दोनों के प्राइस सेम नहीं होते तब तक एनएससी का प्राइस ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। जब दोनों के प्राइस बीएससी और एनएससी के प्राइस सेम हो जाएंगे तब अपर सर्किट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो आप इसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए बने रह सकते हैं, और जो लोग इसको शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो आप बीएससी में इन्वेस्ट करें। बीएससी का प्राइस अभी 1 रुपये 5 पैसे चल रहा है। एक बात और बोलूँगा दोस्तों कि ये हमेशा याद रखना कि ये पेनी शेयर हैं और पेनी शेयर रिस्की होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना ही पैसा लगाएं जितना आप डूबने के लिए तैयार रखें। इसलिए फ्रेंड्स, इतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप भूल सकें। बाकी दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना अध्ययन करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यूज़ के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।